नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट धमाका। आज के वीडियो में बात करते हैं हम 18 दिसंबर 2021 से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स की। तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डिजिटल बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए एक्सिस बैंक ने किसके साथ करार किया है, जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है स्विफ्ट। चलिए बढ़ते हैं अब इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। एक्सिस बैंक ग्राहकों को व्यापक डिजिटल समाधान प्रदान करने के लिए प्रदाता स्विफ्ट की नई डिजिटल सेवाओं के साथ काम कर रहा है। बैंक व्यावसायिक ग्राहकों को संपूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए सरकारी निकायों और सेवा प्रदाताओं द्वारा विभिन्न डिजिटलीकरण पहलों के साथ एकीकरण कर रहा है। एक्सिस बैंक के B2B डिजिटाइजेशन प्रयासों को स्विफ्ट द्वारा समर्थन दिया जा रहा है, जो वैश्विक बैंकों का एक सहकारी है, जो बैंकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है और मानकों को निर्धारित करता है। जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। एक्सिस बैंक की स्थापना 3 दिसंबर 1993 को हुई एवं एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। एक्सिस बैंक के MD एवं CEO हैं अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक के अध्यक्ष हैं इस समय श्री राकेश मखीजा। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में RBI ने बड़े NBFC के लिए कौन सा फ्रेमवर्क पेश किया है, तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। आंसर है PCA फ्रेमवर्क। जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को। भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2022 से बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए एक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई, जिसको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA भी बोल देते हैं, ये पेश किया है। जब भी महत्वपूर्ण वित्तीय मैट्रिक्स निर्धारित सीमा से नीचे आते हैं तो पैरा बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यह उन्हें पर्यवेक्षण और नियामक पहुंच के मामले में लगभग बैंकों के बराबर लाता है। NBFC के लिए PCA ढांचा 31 मार्च को या उसके बाद उनकी वित्तीय स्थिति के आधार पर अगले साल 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा। चलिए जान लेते हैं इस PCA ढांचे के बारे में, ये क्या है। PCA ढांचा सभी जमा स्वीकार करने वाली NBFC और जमा नहीं लेने वाली सभी NBFC, जिनको NBFC ND भी बोल देते हैं, नॉन डिपॉजिट, इनके मध्य ऊपरी और शीर्ष परतों पर लागू होगा। जब भी महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतक निर्धारित सीमा से कम होंगे तो यह पैरा बैंकों पर प्रतिबंध लगाएगा। यह कदम पर्यवेक्षण और नियामक पहुंच के मामले में NBFC को लगभग बैंकों के बराबर लाएगा। यह क्षेत्र के लिए नियामक द्वारा लाए गए गैर निष्पादित परिसंपत्ति मानदंडों में पैमाने आधारित नियमों और संशोधन का पालन करता है। जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। RBI के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास एवं RBI का मुख्यालय है मुंबई में। RBI की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र यानी इको सेंसिटिव जोन ESZ भी बोल देते हैं शॉर्ट में, इसको घोषित किया गया है। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है उत्तराखंड। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOF और CC उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य की सीमा के आसपास 454.65 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। अधिसूचित क्षेत्र अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य के आसपास 0 से 22 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना लुप्त प्राय प्रमुख प्रजातियों जिसमें कस्तूरी मृग और उसके आवास की रक्षा के लिए की गई थी। अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य को मस्क डियर पार्क के नाम से भी जाना जाता है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री इस समय वहां के हैं भूपेंद्र यादव। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने असम स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 112 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है एशियाई विकास बैंक, यानी शॉर्ट में जिसको एडीबी भी बोल देते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिए जान लेते हैं अब इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। एशियाई विकास बैंक ने असम कौशल विश्वविद्यालय यानी ASU की स्थापना के माध्यम से कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए 122 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। ऋण असम की अर्थव्यवस्था और उद्योगों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कौशल विकास का मार्ग तैयार करेगा। गरीबी में कमी के लिए जापान फंड से अतिरिक्त 1 मिलियन डॉलर का अनुदान, स्मार्ट कैंपस प्रबंधन, एकीकृत शिक्षण, सीखने और करियर विकास प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकियों की शुरुआत का समर्थन करेगा। जान लेते हैं अब इस परियोजना के बारे में। यह परियोजना ASU के प्रबंधन और ऑपरेटिंग सिस्टम, व्यापार मॉडल और संकाय के कर्मचारियों को विकसित करने में मदद करेगी और कुशल और टिकाऊ संचालन सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण रूप से टिकाऊ और जलवायु लचीला विश्वविद्यालय परिसर और सुविधाओं के डिजाइन और निर्माण का समर्थन करेगी। यह अत्याधुनिक डिजिटल कौशल कार्यक्रमों, करियर विकास कार्यक्रमों और सेवाओं और सतत शिक्षा कार्यक्रमों सहित उद्योग संरेखित और लचीली कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के डिजाइन और वितरण का भी समर्थन करेगा। चलिए जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। असम के राज्यपाल हैं इस समय जगदीश मुखी जी एवं असम के मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत विश्व शर्मा। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्र ने बिहार की किस वस्तु को GI टैग दिया है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में। आंसर है मिथिला मखाना। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री GIR भी शॉर्ट में बोल देते हैं, इसने बिहार मखाना का नाम बदलकर मिथिला मखाना करने की याचिका को स्वीकार कर लिया है और इसके मूल को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए ब्रांड लोगो में और बदलाव का सुझाव दिया है। इसने अपने मूल को उजागर करने और उत्पाद के भौगोलिक संकेत, जिसको GI ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन टैग अधिकारों की रक्षा के लिए ब्रांड लोगो में संशोधन का भी सुझाव दिया है। सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय, बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने मिथिला क्षेत्र में फॉक्स नट उत्पादकों के कल्याण के लिए मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ की ओर से अपनी उपज का नाम मिथिला मखाना रखने के लिए एक आवेदन शुरू किया। चलिए जान लेते हैं बिहार के कुछ GI टैगों के बारे में। अक्सर क्वेश्चंस ये एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। मधुबनी पेंटिंग, कतरनी चावल, ये भी बिहार का ही है, मगही पान, सिलाब खाजा एवं शाही लीची और भागलपुरी जरदालू, ये सभी बिहार से जुड़े हुए GI टैग हैं जिनको आप प्लीज़ नोट कर सकते हैं और याद करके रखें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं GI टैग से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने किस नाम से एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है उन्नति। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद, जिसको AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन भी कहा जाता है, इसके सभागार नई दिल्ली में दिल्ली पुलिस की प्रमुख योजना युवा के तहत एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति को लॉन्च किया है।
दिल्ली पुलिस हर साल विभिन्न अपराधों के लिए 1.5 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार करती है। उनमें से 85% से अधिक पहली बार आए हैं और केवल 10 से 15% ही बार बार अपराधी हैं। चलिए जान लेते हैं उन्नति के बारे में। उन्नति दिल्ली पुलिस दक्षिण पश्चिम जिले द्वारा युवाओं को शिक्षित करने और समाज के कमजोर वर्गों से स्कूल छोड़ने वालों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद करने के लिए एक ई लर्निंग और प्रमाणन पहल है। उन्नति के तहत पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों में डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रम शामिल है, जिनमें बुनियादी कंप्यूटर पाठ्यक्रम और टाइपिंग प्रशिक्षण, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम और खेल पाठ्यक्रम शामिल हैं। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति दिल्ली पुलिस की प्रमुख योजना युवा के तहत लॉन्च किया गया था। युवा का उद्देश्य युवाओं, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लोगों की मदद करना है और स्कूल छोड़ने वालों को एक सुरक्षित भविष्य के अपने सपनों को साकार करने के लिए शिक्षा और कौशल हासिल करना है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस ब्रांड ने अपने परिधानों के लिए खादी डेनिम का चयन किया है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है यूएस फैशन ब्रांड पेटागोनिया। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। अमेरिका स्थित दुनिया का प्रमुख फैशन ब्रांड पेटागोनिया अब डेनिम परिधान बनाने के लिए दस्तकारी खादी डेनिम कपड़े का उपयोग कर रहा है। पेटागोनिया ने कपड़ा प्रमुख अरविंद मिल्स के माध्यम से गुजरात से 1.08 करोड़ रुपए के लगभग 30,000 मीटर खादी डेनिम फैब्रिक खरीदा है। पेटागोनिया द्वारा खादी डेनिम की खरीद से खादी कारीगरों के लिए अतिरिक्त 1.8 लाख मानव घंटे यानी 27,720 मानव दिवस का काम हुआ है। जुलाई 2017 में खादी और ग्राम उद्योग आयोग, जिसको खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC भी बोल देते हैं, इसने दुनिया भर में खादी डेनिम उत्पादों का व्यापार करने के लिए अरविंद मिल्स लिमिटेड अहमदाबाद के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तब से अरविंद मिल्स गुजरात के KVIC प्रमाणित खादी संस्थानों से हर साल बड़ी मात्रा में खादी डेनिम कपड़ा खरीद रहा है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में यूनेस्को ने किस पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की मान्यता दी है? चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है कोलकाता की दुर्गा पूजा। चलिए तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। यूनेस्को ने कोलकाता में दुर्गा पूजा को अपनी 2021 की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जिसको इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज भी बोल देते हैं, इसकी सूची में शामिल कर लिया है, जिससे 331 साल पुराने शहर और पश्चिम बंगाल राज्य के सबसे बड़े धार्मिक त्यौहार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। यूनेस्को की घोषणा का बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने स्वागत किया, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को त्योहार के सबसे बड़े संरक्षक के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। दुर्गा पूजा के शामिल होने से भारत से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में तत्वों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। बंगाल में 36,946 सामुदायिक दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। इनमें से करीब 2,500 कोलकाता में आयोजित किए जाते हैं। हाल के वर्षों में कई संगठनों ने यूनेस्को से त्योहार को मान्यता देने का आग्रह किया था। चलिए अब जान लेते हैं दुर्गा पूजा के बारे में। दुर्गा पूजा सितंबर या अक्टूबर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्योहार है, विशेष रूप से कोलकाता में। भारत के पश्चिम बंगाल में, बल्कि भारत के अन्य हिस्सों में और बंगाली प्रवासी के बीच भी ये त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दुर्गा पूजा को धर्म और कला के सार्वजनिक प्रदर्शन का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है
और सहयोगी कलाकारों और डिजाइनरों के लिए संपन्न मैदान के रूप में देखा जाता है। त्यौहार शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रतिष्ठानों और मंडपों के साथ साथ पारंपरिक बंगाली ड्रमिंग और देवी की पूजा की विशेषता है। आयोजन के दौरान वर्ग, धर्म और जातीयता के विभाजन टूट जाते हैं, क्योंकि दर्शकों की भीड़ प्रतिष्ठानों की प्रशंसा करने के लिए घूमती है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को स्पेस एक्स का पहला फ्लाइट सर्जन बनने का मौका मिला है? चलिए जान लेते हैं अब इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है अनिल मेनन। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। नासा से स्पेस एक्स के फ्लाइट सर्जन बने अनिल मेनन उन 10 नवीनतम ट्रेनी एस्ट्रोनॉट में शामिल हैं जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी 2021 की क्लास में शामिल होंगे, क्योंकि यह 50 से अधिक वर्षों से चंद्रमा पर पहले मानव मिशन की योजना बना रहा है। उनका जन्म भारतीय और यूक्रेनी माता पिता से हुआ है और उनका पालन पोषण मिनियापोलिस मिनिसोटा में हुआ है। मेनन अमेरिकी वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। वह स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट सर्जन थे जिन्होंने नासा के स्पेस एक्स डेमो 2 मिशन के दौरान कंपनी के पहले इंसानों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने में मदद की और भविष्य के मिशनों के दौरान मानव प्रणाली का समर्थन करने के लिए एक चिकित्सा संगठन का निर्माण किया। चलिए अब जान लेते हैं अनिल मेनन के बारे में। अनिल मेनन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर विभिन्न अभियानों के लिए चालक दल के उड़ान सर्जन के रूप में नासा की सेवा की है। मेनन ने 2014 में नासा फ्लाइट सर्जन के रूप में शुरुआत की और सोयूज मिशन सोयूज 39 और सोयूज 43 के लिए डिप्टी क्रू सर्जन और सोयूज 52 के लिए प्राइम क्रू सर्जन के रूप में ISS पर 4 लंबी अवधि के चालक दल के सदस्यों का समर्थन किया। उन्होंने 1999 में कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से न्यूरोबायोलॉजी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 2004 में कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री प्राप्त की। वह स्टैनफोर्ड मेडिकल स्कूल से मेडिसिन के डॉक्टर भी हैं। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। नासा के इस समय प्रशासक हैं बिल नेल्सन। नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1998 को हुई। स्पेस एक्स के संस्थापक और CEO का नाम है एलन मस्क। स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में हुई एवं स्पेस एक्स का जो मुख्यालय है वो है कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इसरो ने नाविक संदेश सेवा के अनुसंधान एवं विकास को मजबूत करने के लिए किसके साथ सहयोग किया है? चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है ओप्पो। चलिए तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने नाविक मैसेजिंग सेवा के अनुसंधान और विकास को मजबूत करने के लिए चीनी स्मार्ट डिवाइस निर्माता ओप्पो की भारतीय शाखा के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। संदेश सेवा का उपयोग मुख्य रूप से खराब या बिना संचार वाले क्षेत्रों में, विशेष रूप से महासागरों में, जीवन सुरक्षा अलर्ट प्रसारित करने के लिए किया जाता है। ओप्पो इंडिया की विनिर्माण इकाई नोएडा में है और एक अनुसंधान एवं विकास केंद्र हैदराबाद में है। चलिए अब जान लेते हैं समझौता ज्ञापन MOU के अनुसार क्या क्या चीजें हैं।
इसरो और ओप्पो इंडिया दोनों ही तेजी से उपयोग में आसान एंड टू एंड एप्लीकेशन विशिष्ट समाधान बनाने के लिए नाविक मैसेजिंग सेवाओं की तकनीकी जानकारी का आदान प्रदान करेंगे। यह भारतीय उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मोबाइल हैंडसेट प्लेटफॉर्म के साथ नाविक मैसेजिंग सेवा को एकत्रित करने में सक्षम होगा। नाविक के बारे में जान लेते हैं। नाविक एक मैसेजिंग सर्विस प्लेटफॉर्म है जो पूरे देश को कवर करते हुए क्षेत्रीय नेविगेशन सेवाएं प्रदान करता है और भारतीय सीमाओं पर 1500 किलोमीटर तक का क्षेत्र प्रदान करता है। विशेष रूप से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से महासागरों में खराब या बिना संचार वाले क्षेत्रों में लघु संदेशों जो कि जीवन की सुरक्षा के अलर्ट के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इनको प्रसारित करने की क्षमता के साथ साथ PNT यानी स्थिति, नेविगेशन और समय, ये सभी सेवाएं प्रदान करता है। तो ये हुआ आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाकी अन्य फ्रेंड्स के साथ एवं दूसरे ग्रुप्स में भी इसको प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें। और कोई भी अगर आपका सुझाव हो इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। हम तहे दिल से आपके उस कमेंट का स्वागत करेंगे एवं उन सभी की अमेंडमेंट्स के लिए हम हमेशा ओपन हैं जो भी आपकी तरफ से हमें मिलेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कंटेंट आपको डेली प्रोवाइड करा सकें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अन्य करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।